जय त्रिपुरा गंगानगर यूनिट। सो 1037 फैमिलीज, 1037 फैमिलीज, 3119 वोटर्स। जय कथा सभी लोग बोल रहे हैं बुबान अंतर आपको। पार्टी टोटल 1037 फैमिलीज, 3119 वोटर्स, जेन्युइन वोटर्स, नॉट ए जुमला वोटर्स। जो सब पीछे है, जो यहां में है, सामने आ जाओ। अशोक जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भूभागरा भी बैठ जाता, चलो बैठ मेरे। सामने आ जाओ भाई जी, भाई जी,
सरकार नहीं है, तुम आगरा को सामने से देखना है ना। आ जाओ आ जाओ और सामने आ जाओ। फैली 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 आ जाओ। फैली 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 यहाँ जाओ यहाँ जाओ। जो लोग पीछे में है वहां में भाई वहां में क्या कर रहा है, आप सामने आओ। तीपरा साहब को सामने आना है, पीछे बैठने से कुछ नहीं होता, आप लोग सामने आओ सामने आओ सामने आओ। मृंगना धनंजय त्रिपुरा एक्स एमएलए, मृंगना राजेश त्रिपुरा ईएम, भवरंजन रियांग ईएम, ऑब्जर्वर एक्सीएम, बुद्धदेव वर्मा अपना हंस त्रिपुरा एमडीसी, हॉलीवुड चाकमा साधन चाकमा, और यहां में सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट, बुरुई बोदल प्रेसिडेंट, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथा, सबको चिबाए या फरो सबको खुलुखा। आज गंडक तीसा में किसने बोला गंडक छरा, ये गंडक तीसा है, गंडक तीसा नॉट गंडक छरा, ये गंडक तीसा है। एक दिन ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड भी होगा, बुबागरा आपको बोल रहा है। देखो अचुक दी अचुक दी अचुक दी बैठो। किसी लोग सामने आ जाओ। आपको बुबागरा का बात सुनना है कि नहीं, हाँ कि नहीं, जो बुबागरा बोल रहे हैं आपको सुनना है? तो बुबागरा आपको रायमा वैली कॉन्स्टिट्यूएंसी से गंध तोईसा से एक ही बात बोलना चाहता है कि ये त्रिपुरा मोथा, त्रिपुरा मोथा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, त्रिपुरा मोथा ने हमेशा एक बात बोला, चीनी हा चीनी हा, और जोर से चीनी हा चीनी हा, चीनी शासन कैसे होगा अगर बुकुंबारा लोग, अगर त्रिपुरा सा लोग, अगर त्रिपुरा सा लोग एक नहीं हुआ तो चीनी हा चीनी शासन नहीं होगा। ठीक बोला, ठीक ऑप्शन का। तो अगर आपको चीनी हाथ चीनी शासन चाहिए तो उसके लिए कोई बोलता है कि रंग चाहिए, कोई कहता है कि पोजीशन चाहिए, कोई बोलता है कि अरे चीनी हाथ चीनी शासन तब होगा जब सबका साथ सबका विकास होगा। बुबागरा बोल रहा है चीनी हाथ चीनी शासन तब होगा जब बुकुंबारा लोगों का थानसा होगा। थानसांग भी 70 साल से डिवाइड एंड रूल किया, त्रिपुरा सा को बांटा, हमको अलग किया और हमारे ऊपर शासन किया। आज 2022 में 70 साल बाद एक चांस मिला है त्रिपुरा सा को, बुकुंबारा को, कि इस बार हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, अपना अधिकार अपना शासन अपना हाँ के लिए इस बार हम लोग फाइट करेंगे। और यहां में बहुत लोग मंत्री लोग आता है, बहुत मंत्री लोग आता है,
বোধহয় ঠান্ডা হবে না এই জায়গাতে ঠান্ডা হবে না এখানে তো ত্রিপুরা স্যারের কাছে টাকা নেই টাকা দিলে উনি বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসে ভোট করে দেব সচ সচ বাত হে ঠান্ডা হে কি নেই यहाँ में रायमा वैली में थानसा है कि नहीं है, है। लेकिन बीजेपी बोलता है थानसा खुरुई थानसा है कि नहीं मैं आपको अनुरोध करता हूं यहां में कोई त्रिपुरा नहीं है कोई रियांग नहीं है कोई चाकमा नहीं है कोई वांसा नहीं है हम लोग सब पहले एक होकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए हमको फाइट करना है आज आज हम लोग सब पुइला तिपरा सा है बुबाग्रा भाई बुबाग्रा भी पुइला तिपरा सा है अंगो पुइला तिपरा सा उलो अंग बुबाग्रा नुंगो पुइला तिपरा सा ये अपना माथा में रखो इस बार ये लोग जो नेता लोग अगरतला से आता है ये आपको डिवाइड करता है आपको बांटता है आज तिपरासा को क्या मिला है यहां में जब यहां में बारिश आता है वातोई आता है तो चार चार दिन तक बिजली नहीं स्कूल में स्कूल बन गया टीचर नहीं भगीरथ में पानी नहीं डुंगूर आपका था आपको डुंगूर से बाहर किया आज डुंगूर में ये लोग टूरिस्ट लॉज बनाता है रास्ता नहीं कॉन्ट्रैक्टर पूरा रुपया खा गया लेकिन आपको रास्ता नहीं मिला ये क्या हो रहा है त्रिपुरा में ये क्या राज है जो कॉन्ट्रैक्टर सीपीएम के टाइम रुपया खाया आज बीजेपी के टाइम वही कॉन्ट्रैक्टर आज बीजेपी का झंडा लेके रुपया कमा रहा है तो क्या परिवर्तन हुआ क्या चलो पलटाई हुआ यहां में धनंजय है आईपीएफटी का एमएलए था आज धनंजय मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं आपने पावर के बारे नहीं सोचा आपने दोफा के बारे सोचा आप मोथा में आया है आप एमएलए रह सकता था लेकिन आपने पहले जाति को चूज किया पार्टी को नहीं यहां में मैंने देखा है अभी मैं अपना रियांग कैंप से आ रहा हूं सेटलमेंट कैंप से क्या मिला है हमारा रियांग क्या मिला है यही लोग डुंगूर से हमारा जमतिया रियांग को निकाल के इधर उधर किया डुंगूर आपको आप भूल गया है डुंगूर थानसा नहीं था इसके लिए डुंगूर हुआ जब भी कुछ बात होता है सीआरपीएफ कैंप बीएसएफ कैंप बुकुंग बारा को हटाओ किसी और को सेटल करो कभी बीएसएम फायरिंग रेंज लेकिन अपना तिपरासा को आज पट्टा नहीं मिलता जमीन नहीं मिलता आज गंडो त्रिशा से बुबाग्रा बोलना चाहता है अगर 2023 में आया ना हर तिपरासा को पट्टा देकर जमीन दूंगा यह हमारा जमीन है एसडीएम ऑफिस में जाके 2023 में आप लोग अर्जी भरो ये आपका हाँ है आपको पट्टा मिलना चाहिए और मोथा का चेयरमैन बुबाग्रा आपको बोल रहा है आने दो ना पावर में हम लोग आप सबको पट्टा देगा ये अधिकार आपका है मैं रियांग कैंप से लेके आया हूं वहां में टिंका घर है बोलता है ए अपना बाड़ी नियनो नियनो अगरतला में पक्का घर देता है ईंट का पक्का घर और तीपरा साहब को कच्चा घर देके बोलता है ए अपना घर आते मोदी जी का सपना ये क्या है हमारा सिकला सिकली को यहां में मां बाप को बकरी सुअर मुर्गी देता है अगरतला में अगुली में बच्चा लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर देता है ये क्या है ये क्या राजनीति है इसको क्या बोलता है ठकाए हां कि नहीं
ये लोग आपका वोट लेके अगरतला में घर बना दिया, नया नया मकान बना दिया, आपको क्या मिला? क्या मिला? सबका साथ सबका विकास। आप लोग समझो, नहीं नहीं, ओए टिकासा टिकासा से फाइट मत करो, ओए ओए कुकुम्बरा चुप रहो, टिकासा है, बुरुई है, बुरुई को इज्जत करो, बुरुई आपका माँ है, बुरुई आपका बहन है, बुरुई आपका बेटी है, बुरुई को इज्जत करो, बुरुई से अच्छा से बात करो, ठीक बोला ना? अगर हीरो बनना है तो बुरुई को जीतो, डांटो मत। ये हमारा बुमा है, इनका आशीर्वाद चाहिए, इनका प्यार चाहिए, और कोई भी दफा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक बुरुई को हम लोग सम्मान नहीं देते। बुबागरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, बुबागरा को ना एमएलए के लिए फाइट करना है, ना एमपी के लिए फाइट करना है, ना मंत्री बनना है। बुबागरा इस बार बुबागरा आपको एक बात बोल के जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अपना 13 लाख टिपरासा को कुछ ना कुछ तो अधिकार देके जाऊंगा। ये लोग बोलता है कि ताका नियनो आपने मंत्री होए जाबे, एमपी होए जाबे, अलायंस कर दो इनको, अगर अलायंस चाहिए तो टिपरा लैंड दो, ग्रेटर टिपरा लैंड राइटिंग में दो, राइटिंग में अगर नहीं दिया ना तो बुबागरा आपको बोल रहा है, चैलेंज करके बोल रहा है, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन इस बार 1 लास्ट फाइट करके ही जाएगा। 70 साल से ये अलायंस करो ये करो वो करो करके हमारा टिपरासा को आस्ते आस्ते करके खत्म किया। एक टाइम टिपरासा 90%, 80%, 70% आज 30% हो गया है, और कितना अलायंस करे और कितना अपना अधिकार किसी और को दे दे? इतना हिम्मत नहीं है हम लोग के पास कि एक बार 2023 में जितना बीजेपी पैसा फेंकने दो, जितना सीपीएम लाल सलाम बोले बोलने दो, इस बार प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना बुकुम्बरा तिपरासा के संग अकेला फाइट करेगा। आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? वो एकदम पीछे आप लोग हैं कि नहीं? वहां में है कि नहीं? चक्कू ही नहीं खाया, पेट में आवाज नहीं है। आप लोग हैं कि नहीं? ये लोग ने ज्यादा चक्कू ही खाया, आप लोग तो कुछ नहीं खाया। अरे पूरा जिंदगी चाकरी करने से अच्छा है कि एक बार टिपरासा लोग फाइट करो, पूरा जिंदगी अलायंस करते करते आज 30% हो गया है, इस बार अकेला फाइट करो। हम गलत बात बोल रहे हैं कि ठीक बात बोल रहे हैं? आपको फाइट चाहिए कि नहीं? हम लोग जीतेगा कि नहीं? तो जीतेगा दो, हारेगा दो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा, 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। और बुबागरा तो मालूम नहीं है कि कौन नेता है, मैं नेता को नहीं देखता हूं, आप लोग सब यहां में है, नेता है, ईएम है, एमएलए है, एमडीसी है। बुबागरा आपको देख के ग्राउंड में नहीं आया, बुबागरा ये टिपरासा को देख के नीचे आया है। आप लोग एमएलए बन जाओ, मंत्री बन जाओ, ईएम बन जाओ, एमडीसी बन जाओ, बुबागरा को आप इनको कुछ देना है। ये फाइट आपका नहीं है, ये फाइट आपका नहीं, ये फाइट पूरा टिपरासा का है, ये फाइट इनका है। और अगर आपने जैसा पहला का लीडर जैसा
आपने फिर से धोखा दिया तो टिपरा साहब आपको घर से निकाल के मारेगा, आपको घर से निकाल के टान के मारेगा, क्योंकि टिपरा साहब इस बार दिल में टिपरा साहब ने रख लिया है कि फाइट करना है। और अगर आप लोग ने, हमारा लीडर लोग ने अगर धोखा दिया तो जाओ, बहुत पैसा है वहां में, हम यहां से लीडर निकाल देगा, हम यहां से लीडर निकाल देगा, वहां से लीडर निकाल देगा। बीजेपी बोलता है पैसा से लीडर खरीदेगा, वो लीडर आता है यहां में काला चश्मा लगा के। साढ़े चार साल हो गया, साढ़े चार साल हो गया, क्या किया आपने, क्या किया आपने टिपरा साहब के बारे में बात किया? नहीं, आपने अपना घर के बारे में बात किया। आपने टिपरा साहब के बारे बात किया पार्लियामेंट में? नहीं। आपने क्या किया? आप अगर बात भी करना चाहे तो आपको बात करने नहीं देगा बीजेपी। जितेंद्र चौधरी टिपरा साहब को प्यार करता मैं जानता हूं, लेकिन उसको एमपी बन के भी बात करने का राइट नहीं मिला, क्योंकि नेशनल पार्टी में बुकुंग बारा के लिए कोई बात नहीं कर सकता। नेशनल पार्टी में आज एक लीडर नहीं है जो बोल सकता है चीनी हाथ चीनी नाइकॉल भांग, एक लीडर नहीं है जो बोल सकता है चीनी हाथ चीनी शासन, एक लीडर हमको दिखा के बोलो जो बोल सकता है उइला जाति उलो बोल जाति, एक लीडर नहीं मिलेगा क्योंकि डरता है। आंचलिक पार्टी में हमको आपने बनाया, हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है आपके लिए बात करने के लिए। और इस बार आप लोग अगर बुबागरा के साथ हैं, हम नहीं जानता कौन यहां में रियांग है, कौन त्रिपुरा है, कौन जमतिया है, कौन देवबर्मा है, कौन चकमा है, हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप लोग सब हमारा साथ है ना, तो इस बार दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर से आंख मिलाकर अपना टिपरा साहब का अधिकार को डिमांड करूंगा। और जो लोग पैसा फेंकता है, हम आपको बोल रहे हैं हिंदुस्तान में इतना नोट का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो आपका बुबागरा को टिपरा साहब से खरीद सके। हमको सिर्फ आपका थम्सअप चाहिए, थम्सअप। और लास्ट में धनंजय राजेश नकुल तीनों यहां हो, ओए नकुल ये रियांग पीछे रहेगा कैसे होगा, हमारा चकमा लीडर कहां है, रतन निकास वासुदेव यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग का चकमा लीडर पीछे में बैठे, जुजू जुजू आओ। हम आपको एक कहानी बताते हैं, हाँ ये इसका नाम क्या है, धनंजय, इसका नाम वासुदेव, इनका नाम नकुल जो है, इनका नाम राजेश, अगर तला में खड़ा कर दो सब बोलेगा ये तो कौन जानता है, ये त्रिपुरा है, ये चकमा है, ये चकमा है, ये रियांग है, ये त्रिपुरा, किसी को मालूम है, नाक चपटा बोलेगा, नर्दूम बुकुंबरा क्या बोलता है, नागबादी नागबादी। तो यहां में जब आपको सब नाक चपटा बोल के आपका ऊपर अत्याचार करता है, तो यहां में आप लोग थमसा करो ना, अगर तला में सब आपको सल्यूट करेगा, ये मेरा चैलेंज है। इसको पॉलिटिक्स नहीं बोलता है, इसको राजनीति नहीं बोलता है, इसको थमसा बोलता है। आज टिपरा साहब पीछे क्यों है, क्योंकि ये डिवाइडेड रूल में आमी तो त्रिपुरा उन्हीं तो रियांग उन्हीं तो रियांग उन्हीं चकमा, ये बोल के टिपरा साहब को डिवाइडेड रूल किया। आज आप लोग सब एक हो जाओ।
एक हो जाओ। रायमा वैली को थमसा चाहिए, लीडर लोग थमसा नहीं करता है। टिपरा सा तो थमसा कर लिया है, लीडर लोग थमसा कर देगा ऑटोमेटिकली हम लोग इलेक्शन भी जीतेगा, ग्रेटर टिपरा वैली में लेके आएगा। लास्ट में यहां में जो भी है, आप लोग सीनियर्स है, हम लोग का बुरी बदल है, YTF है, TISF है, टिपरा मोथा है, आप सबसे अनुरोध करता हूं, कितना महीना बाकी है इलेक्शन के लिए? दो महीना इलेक्शन के लिए बाकी है। 70 साल का जवाब आप 2 महीने के अंदर दे सकता है अगर आपका थंसा रहा। 70 साल का जवाब, अगर 2 महीना आपने थंसा रखा तो 5 साल आपका शासन होगा, अगर 2 महीना आपने थंसा नहीं रखा तो आपका रास्ता वैसे ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर रुपया खाएगा, आपका स्कूल में टीचर नहीं होगा, आपके हॉस्पिटल में विधि नहीं मिलेगा, आपके नल में, हर घर नल है लेकिन जल नहीं है, आपके घर में पानी नहीं रहेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग एक हो गया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बुबागरा अपना सर्वाइवल और अपना अधिकार राइट्स के बारे में बात कर रहा है, हम पावर के बारे में बात नहीं कर रहा है। आज तक सिर्फ बोला गया कि तुमको ये देने से ये मिलेगा, तुमको MP बना देंगे, तुमको BWD मिनिस्टर बना देंगे, तुमको होम मिनिस्टर बना देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पहले मुकुंबारा टिपरासा को राइट दो, उसके बाद आप भी तो मुकुंबारा है, आप भी तो मुकुंबारा है, आपको ऑटोमेटिकली जब इनको राइट मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन अगर लीडर को मिलेगा तो टिपरासा को मिलना कोई गारंटी नहीं। ठीक हो सारा? ठीक हो सर। बुबागरा पॉलिटिक्स नहीं करता है, बुबागरा राजनीति नहीं करता है, बुबागरा राजनीति करता है, काम का बात करता है, थानसा का बारे बात करता है। और यहां में जो सीपीएम का है, जो BJP का है, जो IPF का लमसोगो, ये आपका पार्टी है, ये बुकुंगबारा का पार्टी है। यहां में आपको मोदी जी का सपना नहीं सुनना पड़ता है, यहां में आपको मानिक सरकार का सपना नहीं सुनना पड़ता है, यहां में आपको टिपरासा का दिल में क्या बात है उसका बात सुनना पड़ेगा। तो आप आओ और थानसा करो। यहां में ब्लॉक को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। नेक्स्ट टाइम नकुल जोय, तू चकमा में एक प्रोग्राम और गंगानगर में एक प्रोग्राम करो, बुबागरा आएगा। तू चकमा में एक प्रोग्राम, गंगानगर में एक प्रोग्राम, बुबागरा फिर से आएगा और यही बात सबको बोलेगा। आप लोग प्रोग्राम करो, बुबागरा आएगा। और आप सबको मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल सकता हूं, आई लव यू। मुबान बोलता है लेकिन चला को भी बोलना चाहिए, सकला को, बुरा को भी बोलना चाहिए, आई लव यू। और ये जो प्यार है ना, ये जो दिल से प्यार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरा लास्ट फाइट है, इसके बाद मैं कितना दिन रहूं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर एक दिन मैं नहीं रहूंगा तो आपके लिए कौन बात करेगा, आपके लिए कौन फाइट करेगा। इसके लिए इस बार अपना टिपरासा को मरने से पहले बुबागरा कुछ दे के जाना चाहता है। हमको आपका सिर्फ प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। वोट आप किसी को भी दो, लेकिन जो भी है एक बार अपना हा के बारे सोचो। सब लोग खड़ा होकर एक संग सब लोग खड़ा होकर, पहले कॉन्टेस्ट करें, आप लोग ने चखू ही खाया नहीं। तो यहां से यहां में हम टिपरासा बोलेगा, आप लोग आई वक्त हम बोलो, यहां से यहां, यहां नहीं, टिपरासा। ठीक है, यहां में
तो हार रहा है। डिप्रेशन ये अब हुआ, फिर से डिप्रेशन अब सब लोग खामसा होके एक आवाज में ओके 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 लॉन्ग लेग टिपरा मथा लॉन्ग लेग टिपरा सा दफा हम भाई সারাদিন ব্যাপী একেবারেই সকাল থেকে গন্ডা ছড়ার এই জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে আমরা উপস্থিত ছিলাম। একেবারেই গন্ডা ছড়া এবং গন্ডা ছড়ার যে বিশেষ জায়গাগুলোতে আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি, প্রথমেই সেখানে যে পাড়াতে আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি সেই পাড়ার লোকজন বা টিপরাসা যারা জনজাতিরা রয়েছেন বা যারা ভাই বোনরা রয়েছেন জনগণরা রয়েছেন তাদের সুখ দুঃখের কথা তারা তুলে ধরেছেন। আমরা জগবন্ধু পাড়াতে ছিলাম এবং তারপর আমরা গন্ডাছড়া যে মাঠ রয়েছে সেখান থেকে বুবাগরা অর্থাৎ টিপরাসাদের বুবাগরা এবং টিপরা মথার যিনি সুপ্রিমো রয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন তিনি কি বার্তা রেখেছেন অবশ্যই আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এখনকার মতো এই সমাবেশ সমাপ্তি হয়েছে, আমরা আপনাদের পরবর্তী বিভিন্ন আপডেটস তুলে ধরার জন্য অবশ্যই আমরা জুড়ে রয়েছি, সেখানে সোশ্যাল বাংলার পর্দায় আপনাদেরও সঙ্গে থাকতে হবে এবং আপনাদের যদি কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই সেখানে আপনারা তুলে ধরতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে। এখনকার মতো এই লাইভ অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করছি, পরবর্তী বিভিন্ন আপডেটস দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। ক্যামেরায় আদিত্যের সাথে আমি রয়েছি পূজা গন্ডাছড়া মাঠ থেকে, দা সোশ্যাল বাংলা, নমস্কার।